नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नया अपडेट सूरत सिटी का मैं देने वाला हूं। जो सूरत सिटी में आप होंगे तो आपको मालूम होगा, और नहीं है यदि बाहर हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो है बुलेट ट्रेन का जो है रोड का काम जोर शोर में चल रहा है। आप सूरत सिटी में आएंगे तो आप देख सकते हैं, करोड़ा साइड से थोड़ा इधर आएंगे डिंडोली की तरफ तो उधर आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये जो बुलेट ट्रेन का काम बहुत ज़ोरों में चल रहा है। देखिए रोड है, यहाँ पे वर्क चालू है और यहाँ पे सब बहुत ज़ोरों में काम चालू है। और यहाँ पे जो है ना सूरत सिटी में भी बहुत ज़्यादा जो है अभी रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है अभी आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे जो है बहुत ग्रोथ होने वाला है इस एरिया में। और यहाँ पे सुविधा देखिए, जहाँ पे सुविधा बनता है वहाँ पे भाव चढ़ता है। आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है, जहाँ पे सुविधा होगा रोज़गार बढ़ेगा और लोगों को आने जाने का सुविधा मिलेगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, खरीदी करेंगे, चाहे फ्लोट हुआ चाहे फ्लैट हुआ, चाहे माने आप कुछ भी आप वहाँ पे ले सकते हैं, चाहे रोज़गार डाल सकते हैं चाहे दुकान। तो ये बुलेट ट्रेन का जो है अभी यहाँ पे सूरत सिटी में बहुत ज़ोरों में काम चालू है। आप जब भी यदि सूरत में होंगे तो आपको मालूम भी है, और बाहर से जब भी आएंगे देखने के लिए तो विजिट कर सकते हैं, इधर देख सकते हैं। और बहुत सुंदर लोग बना रहा है, क्योंकि सूरत सिटी में आप जाएंगे घूमेंगे तो उधर जो है मेट्रो का काम चालू है, और ये जो है बुलेट ट्रेन जो है तो ये बुलेट ट्रेन का बन रहा है। और बुलेट ट्रेन से क्या है कि चाहे बॉम्बे का हो, बॉम्बे से आदमी को इधर काम करने का है तो तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि ये फास्ट गाड़ी होती हैं सब। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़ोरों में काम चालू है और आपको सब मालूम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यदि सूरत सिटी में इन्वेस्ट करना है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको विजिट कराएँगे। और जिधर भी यदि डिंडोली साइड में चाहिए, करोदरा साइड में चाहिए तो वहाँ पे फ्लोट हम आपको उचित रेट में दिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी डेवलप का काम जोरों में चल रहा है। आप जब भी आएंगे इधर देखने के लिए करोदरा में देखेंगे, क्योंकि करोदरा में जो है बहुत बड़ा जो है वहाँ पे कंपनी का ये जो हब है, एक रोज़गार का हब है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियां वहां पे लगी हुई हैं। और आप जब भी आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि कंपनी लगी हैं कि नहीं लगी हैं। और उस एरिया में आप लेते हैं तो कुछ दिन के बाद में उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई फाई होने वाला है। यहां पे जब भी आएंगे तो आप देखेंगे ये सब दिखेगा, सब देखिए कितना ज़ोरों में काम हो रहा है। यहाँ पर सब रखा हुआ है, अपना बुलेट ट्रेन का सब सामान रखा हुआ है, देखिए ट्रैक्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से देखिए, नीचे में जो आप देख रहे हैं ना, ये जो करोदरा की तरफ रास्ता जा रहा है, वो जो डिंडोली से आया है करोदरा की तरफ रास्ता जा रहा है। और आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, और रोड जो है जाने के लिए नीचे रहेगा, बुलेट ट्रेन जो है ऊपर आपको दिखेगी। इसके लिए जब भी आप आएँगे यहाँ पर तो सब टोटल देख सकते हैं, देखिए रोड करोदरा को जा रहा है। और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका बहुत ग्रोथ होने वाला है। और आप देख ही सकते हैं, और ऊपर से अपना बुलेट ट्रेन जाएगा, नीचे से जो है ये आपको जाने के लिए रास्ता, ये पुल बन चुका है, और इसके ऊपर से मेट्रो जाएगा। और देखिए सब गाड़ी अभी, ये रोड भी बहुत चालू है, इस पर जाती हैं। इसके लिए पहले से जो है यहाँ पर सब टोटल काम लोग कर रहा है लोग, आप देख सकते हैं। देखिए मेट्रो स्टेशन ही बन रहा है, और यहाँ पे आप गाड़ी पकड़ सकते हैं। जब भी वो जब चालू हो जाएगा तो यहीं से समझ लीजिए रुकना उतरना है और जाना है। इसके लिए आपको मैं सोचा कि एक बार इसका अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि सूरत सिटी में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर जो है अपना मेट्रो ट्रेन का सब बन रहा है, और ये जो है बुलेट ट्रेन का बन रहा है। सूरत सिटी में एकदम डेवलप पे ही काम चालू है यहाँ पे भी, और यहाँ पे फ्लोट लेना चाहेंगे आप तो यदि सूरत सिटी में तो समझ लीजिए कि बहुत महंगा हो गया है, और वहाँ पे जगह भी अब ज़्यादा नहीं रह गया है। सूरत सिटी से बाहर थोड़ा आप जाएंगे
तो उधर आपको फ्लोट अपने आपके रेंट में मिल जाएगा। और सिटी के अंदर तो भाई करोड़ में सब फ्लोट है, दस्तावेज आप लेना चाहेंगे तो उधर 1 करोड़ का बजट है तभी आप ले पाएंगे। क्योंकि अब आप तो देख ही रहे हैं कि इतना जब डेवलप का काम चालू है सब चीज़ का, तो वहाँ पे कितना महंगा ज़मीन हो जाएगा उसका आंकड़ा आप लगा सकते हैं। और कोई भी सिटी में आप गए होंगे देखे होंगे कि जहाँ पे डेवलप का काम जब चालू हो जाता है तो ज़मीनों का रेट बढ़ जाता है, फ्लोटों का रेट बढ़ जाता है। और जो भी लेते हैं लोग तो सोच समझ के सभी लोग अपना प्रॉपर्टी लेते हैं। आप भी यदि आप आएंगे तो आप देख सकते हैं, यदि सूरत में होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि कितना डेवलप का काम यहाँ पे चालू है। और दो चार साल संभवतः 2-4 साल के बाद में जो है सूरत का जो है अलग ही प्रक्रिया हो जाएगा, यहाँ पे रेट भी अलग ही प्रकार का आपको मिलेगा क्योंकि डेवलप का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालू है। जहाँ जहाँ डेवलप का काम होता है वहाँ वहाँ का वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, इसलिए कि हर जगह का आप देख सकते हैं कि कितना डेवलप वहाँ पे हो रहा है। और वीडियो जो है आप लोगों को इसीलिए मैं दिखाता रहता हूँ कि आपको भी मालूम पड़े कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इसलिए अभी मैं जो है नया अपडेट के साथ में मिलूँगा और नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।